नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। गत 24 अक्टूबर को आयोजित आम सभा के माध्यम से चयनित 21 उम्मीदवारों में 11 सदस्यों की टेलको मस्जिद की नवनिर्मित कमेटी के गठन के संबंध में आज टेलको बारी नगर के मोहम्मद तौहीद ने उन 11 सदस्यों के नाम शपथ की घोषणा की, जिसमें मोहम्मद आलम को प्रेसिडेंट, मोहम्मद शकील को वाइस प्रेसिडेंट, मोहम्मद तौहीद को जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद जावेद इकबाल को जॉइंट सेक्रेटरी और अली अख्तर को ट्रेजरर मनोनीत किया गया। वहीं अमीन खान, मोहम्मद हयात आलमताज, शब्बीर अहमद, हाजी तौफीक खान और इम्तियाज अहमद खान को कमेटी का सदस्य घोषित किया गया। टेलको मस्जिद का चुनाव आम सभा द्वारा दिनांक 24/10/2023 को हुआ। इसी के संबंध में हम सारी जानकारी दे रहे हैं कि महमूद आलम प्रेसिडेंट बनाए गए, मोहम्मद शकील वाइस प्रेसिडेंट, मोहम्मद तौहीद जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद जावेद इकबाल जॉइंट सेक्रेटरी, अली अख्तर ट्रेजरर, अमीन खान मेंबर, मोहम्मद हयात मेंबर, आलमताज मेंबर, शब्बीर अहमद मेंबर, हाजी तौफीक खान मेंबर और 11 में लास्ट हैं इम्तियाज़ अहमद खान, ये भी मेंबर हुए हैं। टोटल 11 लोग हम लोग सेलेक्ट हुए थे 24/10/2023 को आम सभा द्वारा जो चुने गए थे उनका डिक्लेरेशन, उनका सारा क्लियरेंस जो है यही है किस तरह से किनको क्या क्या पद मिला है। ये बताना ज़रूरी है कि आम सभा द्वारा जो 24/10/2023 को हुआ उसमें आप सभी का सहमति से ये कमेटी बनी है, जिसमें और टाटा मोटर्स, टाटा कमिंस, एक्स एम्प्लाइज, बारी नगर वासी, टेलको कॉलोनी के वासी सबों ने इसमें हिस्सा लिया और आम सहमति बनी और ये 11 लोग चुने गए थे, जिसका अभी हमने सबों का नाम लेकर किनको क्या पद मिला है इसका क्लियर किया है। धन्यवाद।